सो गाइज, मैं आपके दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया कोरोना वायरस से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज को लेकर। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है अपना कहर पूरे देश और दुनिया में बरसा रहा है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस जो है सारे देश और दुनिया में फैलता जा रहा है। सो कोरोना वायरस पे काबू पाने के लिए देश और दुनिया के कई हिस्से को लॉकडाउन कर दिया गया है। इवन कि अपने इंडिया को भी 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। सो इसी बीच टिकटॉक पे काफी फेक न्यूज भी वायरल हो रही थी, जैसे कि अक्षय कुमार के कुछ वीडियो को लेकर उसके ऊपर लिख दिया जा रहा था कि अक्षय कुमार ने 180 करोड़ रुपए दिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, सलमान खान ने इतने दिए या शाहरुख खान ने उतने दिए या और फलाने ढिमक्का ने इतने दिए, लेकिन सारा का सारा फेक न्यूज था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी, लेकिन इस वीडियो में आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि सच में किस एक्टर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में कितना दिए या सीएम रिलीफ फंड में कितना दिए। तो चलो मैं एक एक करके सारी डिटेल्स आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे पीएम केयर फंड में अपनी इच्छा अनुसार दान करें। आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति से निपटने में सरकार की मदद होगी। जो लोग बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। तो उन्होंने इंग्लिश में किया था, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। सो इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही बॉलीवुड के खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में देने का ऐलान किया और उन्होंने ट्वीट करके ये बताया। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पीएम केयर्स फंड और सीएम केयर फंड्स में अपने इच्छा अनुसार दान किए। तो चलो मैं सभी को एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर की तरफ से, तो सुरेश रैना ने डोनेट किया 52 लाख रुपए, जिसमें कि 31 लाख पीएम केयर फंड्स में और 21 लाख सीएम यूपी डिजास्टर रिलीफ फंड में किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उन्होंने 50 लाख रुपए जो है डोनेट किए हैं, जिसमें कि 25 लाख प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और 25 लाख महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में। उसके बाद धोनी का नंबर आता है, धोनी को तो आप सभी जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट किया है, जिसकी वजह से उसका कुछ ट्रोल भी हो रहा है ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे, क्योंकि धोनी के पास करीब 800 करोड़ से भी ज्यादा का जो है प्रॉपर्टी है, उसमें उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए ही डोनेट किया है। तो आप इसके बारे में हमें अपना राय कमेंट में जरूर बताना कि धोनी को कितना करना चाहिए था आपके हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पे कपिल शर्मा के बारे में। आप तो जानते होंगे इंडिया का जो है बहुत बड़े कॉमेडियन स्टार है और ये बॉलीवुड के स्टार भी हैं, कई फिल्में भी बनाए हैं। तो कपिल शर्मा ने भी 50 लाख रुपए जो है पीएम रिलीफ फंड में डोनेट किया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ऋतिक रोशन के बारे में आप जानते होंगे, क्रिश, क्योंकि यार क्रिश के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो ऋतिक रोशन ने जो है N95 और FFP3 मास्क जो है BMC वर्कर को डोनेट करने के बारे में कहा। सो गाइस, इस बीच मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले डोनेट करने के मामले में सामने आए थे साउथ के जितने भी सुपरस्टार हैं, जितने भी हीरोज हैं, उनमें से लगभग बहुत सारे हीरोज ने जो है उन्होंने डोनेट किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ प्रभास जो है 4 करोड़ रुपए जो है डोनेट किए हैं। फिर आपको पवन कल्याण को जानते होंगे, पवन कल्याण जो है 2 करोड़ रुपए डोनेट किए। अल्लू अर्जुन 1 करोड़ 25 लाख रुपए डोनेट किए। चिरंजीवी, इनको भी आप जानते होंगे, इन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। महेश बाबू 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। बाला कृष्णा, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। जूनियर NTR 75 लाख रुपए। रामचरण 70 लाख रुपए। नितिन 20 लाख। त्रिविक्रम 20 लाख। सो गाइस, जिस तरह से डोनेट कर रहे हैं ये जो हमारे बॉलीवुड या टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बाकी के जितने सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें कि एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं या क्रिकेटर हो सकते हैं या हमारे लीडर्स हो सकते हैं, वो सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इस डोनेशन में, ताकि कोरोना वायरस जो है आसानी से लड़ा जा सके। तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है तीनों खान के बारे में, आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान के बारे में। तो ये लोग भी जरूर कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो गाइज, अगर आप भी पीएम केयर फंड में कुछ राशि देना चाहते हैं तो नीचे अकाउंट नंबर के साथ साथ मैं तमाम जानकारियां आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप डोनेशन कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से या UPI ट्रांजेक्शन से या RTGS या NEFT से कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख के और उस पर कर सकते हो, ये पूरा रियल है। या आप जाके जो है ट्विटर पे जो है नरेंद्र मोदी जी के जो है ID पे भी जाके देख सकते हो, वहां पर भी आपको ये चीज मिल जाएगा। तो आप भी डोनेट कर सकते हो। अगर आप इस पे डोनेट नहीं कर सकते तो आपसे रिक्वेस्ट कि आपके आसपास में कोई भी गरीब इंसान है जो कि यार रोज दिहाड़ी पे मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन उसके पास अभी कोई काम करने को नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है, तो आप उनका भी हेल्प कर सकते हो, दो वक्त के खाना दे सकते हो या कुछ खरीद कर दे सकते हो या पैसे दे सकते हो। या यार यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे मजदूर जो है अपने स्टेट की तरफ पलायन कर रहे हैं, जैसे दिल्ली से ज्यादातर जा रहे हैं और दूसरे स्टेट से, तो यार उन्हें भी आप रास्ते में दे सकते हो। बहुत सारे लोग जो है हेल्प कर रहे हैं और देख के काफी खुशी भी होती है कि चलो आज भी मानवता
बाकी है, आज भी इंसानियत है जो कि लोगों का हेल्प करे, तो आप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हम सभी को यार मिलकर लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे यार तो दिन ब दिन जो है कोरोना वायरस को लेकर मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, हालात बद से बदतर ना हो जाए, इसलिए हम सभी को मिलकर लॉकडाउन का पालन करना होगा। जितना ज्यादा हो सके घर में ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, हाथ को धोते रहे समय समय पे, और यार इससे जो है कोरोना वायरस से इस तरह से ही लड़ा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब तक कोई भी इसका जो है वैक्सीन नहीं निकला है, इसका इलाज सही से नहीं निकला है, तो यार सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा चीज है, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। बेवजह घर से ना निकले, बहुत जरूरत इमरजेंसी होने पे ही घर से निकले, और हम सबसे जितना होगा यार उतना हम लोग भी जो है डोनेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं इस तरह के और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए राजटेक जोन के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, और अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और किसे कितना और डोनेट करना चाहिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर